सतना जिले के अंदर जब से धान उपार्जन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से कई पत्रकारों की चांदी हो गई है। इस समय पत्रकारों के पास सिर्फ एक काम है, धान उपार्जन केंद्रों में जाना और वहां का मौका मुआयना करना, वीडियो बनाना, वहां की अव्यवस्थाओं को देखना और अव्यवस्थाएं गिनाकर कुछ लेना देना। जहां कुछ मिल गया वहां की खबर दबा दी गई, जहां से कुछ नहीं मिला वहां की खबर चला दी गई। कई पत्रकार तो समूह बनाकर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिटने का भी डर रहता है। पूरे जिले के अंदर इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि कोई पत्रकार धान उपार्जन केंद्र में मझगवां क्षेत्र में गया और वहां पत्रकार के साथ बदसलूकी हो गई, पत्रकार पिटते पिटते बचा। प्रायः पत्रकारों की पिटने की नौबत तभी आती है जब पत्रकारों द्वारा कोई अनर्गल मांग की जाती है, नहीं तो पत्रकार अपनी खबर बनाएं और चले आए। धान उपार्जन के अलावा भी जिले के अंदर तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें पत्रकार उठा सकते हैं, लेकिन प्रायः यही देखने में आता है कि अधिकांश पत्रकार थाने और धान उपार्जन तथा गेहूं खरीदी तक सीमित रहते हैं। इसके अलावा पत्रकारों को और कोई खबर दिखाई नहीं पड़ती। बेहतर होगा कि जिले के अंदर व्याप्त उन तमाम समस्याओं को भी जिले के पत्रकार उजागर करें जिससे उनकी छवि में कहीं कोई आंच ना आए। मोबाइल नीचे कर, मोबाइल नीचे कर, मोबाइल नीचे कर, फालतू बात नहीं, मोबाइल नीचे कर, फालतू बात नहीं देता।